सूक्ष्म जीवों के प्रकार। आपने देखा कि पानी की केवल एक बूंद में ही आपको कितने तरह तरह के सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं, जैसे ये हमने देखा था पानी के सूक्ष्म जीव यूग्लेना, क्लाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। तो ये बहुत से प्रकार के होते हैं, परंतु इनमें से कुछ एक कोशिक और कुछ बहुकोशिक होते हैं। तो हम प्राय मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों को पांच प्रकार से विभाजित करते हैं, शैवाल, कवक या फंजाई, प्रोटोजोआ, जीवाणु या बैक्टीरिया, विषाणु या वायरस। शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ कुछ शैवालों के चित्र दिखाए गए हैं। ये एक स्पाइक रोगायरा शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है और यूलोथ्रिक्स है। ये कुछ शैवाल हैं जो पानी में पाए जाते हैं। ये हमेशा पानी या नम स्थानों पर ही पाए जाते हैं। आपने नम स्थानों या तालाब के किनारे, नदी के रुके हुए पानी में हरे अथवा भूरे रंग के परत जमी हुई देखी होगी। यही वास्तव में शैवाल होते हैं, जिसे हम काई भी कहते हैं। शैवाल प्रायः हरे, लाल या भूरे रंग के होते हैं। इनका विशेष रंग एक विशेष वर्णक के कारण होता है। हरे शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक तथा उनके द्वारा भोजन बनाने के लिए की जाने वाली क्रिया को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। हरा शैवाल में कौन सा वर्णक पाया जाएगा, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, और वही शैवाल को भोजन बनाने में सहायता करता है। वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण किसी भी पौधे में हरा रंग आता है और उनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्रियाकलाप देखते हैं। यहाँ पे आप विभिन्न स्रोतों जैसे नदी के ठहरे हुए पानी, तालाब, टंकी आदि से शैवाल एकत्रित करें और प्रत्येक नमूने के रंग, बनावट इत्यादि को सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करें और देखें कि क्या सभी शैवालों की रचना एक प्रकार की है। अलग अलग शैवालों का चित्र बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए और उनके समानता तथा असमानताओं को लिखिए। इस प्रकार आप पाएंगे कि सभी शैवाल हरे रंग के हैं तथा आकार में भिन्न भिन्न हैं और कुछ शैवाल आपको भूरे रंग के भी मिल सकते हैं। इनमें कुछ में समानता होगी और कुछ में असमानता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैवाल मुख्यतः हरे रंग के होते हैं और आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। शैवाल जलीय जीवों का प्रमुख भोजन होता है। यह एक प्राथमिक उपभोक्ता है, यह द्वितीयक उपभोक्ताओं का मुख्य भोजन है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। साथ ही साथ मनुष्यों द्वारा भी यह खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योगों में भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे औषधि, प्रसाधन सामग्री, रंग निर्माण, छपाई, आयोडीन तथा अन्य पदार्थ प्राप्त करने में भी ये उपयोगी होते हैं। जानवरों को सानी देना। दूध देने वाले जानवरों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उन्हें सानी दी जाती है। ये जो सानी होता है, इसमें मोटा अनाज, बिनौला या खली, गुड़ आदि का मिश्रण रात भर भिगो के रख दिया जाता है और सानी में उपस्थित खाद्य पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों द्वारा क्रिया कर इनका अपघटन किया जाता है, जिससे जो ये सानी बना होता है या एक मिश्रण जो होता है उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है और इसे जब जानवरों को खिलाया जाता है तो इन्हें पौष्टिक भोजन मिलने की वजह से इनकी जो इनसे मिलने वाला दूध की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए दूध देने वाले जानवरों जैसे गाय, बकरियां, भेड़ इत्यादि को सानी दिया जाता है, जिसमें शैवाल जो होते हैं या सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये क्रिया कर अपघटन किए रहते हैं, तो इनकी वजह से ये बहुत ही पौष्टिक होता है।